बिज़नेस राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग दो अलग तरह ही राइटिंग है बिज़नेस राइटिंग के अपने कुछ रूल्स हैं और उसके अपने मकासद हैं लेट्स टेक अ लुक के वो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं उसकी और बहुत सी मिसालें हैं लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे हैं आ, उसमें रिपोर्ट्स हो सकती हैं कोई प्रपोज़ल का लिखना हो सकता है ई e मेल्स या लेटर्स जो लिखे जाते हैं किसी मकसद के लिए कवर्ड लेटर जो कि रेज्यूमे के साथ होते हैं और ख़ुद रेज्यूमे सो ये सारी जो है कुछ मेन फॉर्म्स हैं बिजनेस राइटिंग के अब बिज़नेस राइटिंग जो है उसमें ज़्यादा ध्यान जो है फैक्ट्स के ऊपर होता है रिपोर्ट में आप ये बताते हैं कि क्या हो चुका है प्रपोज़ल में भी आप बताते हैं कि क्या आप करने का सजेशन दे रहे हैं क्या होने वाला है लेकिन यह कि वो भी फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड होता है कि आपकी असल में कैपेसिटी क्या है वगैरह इसी तरह रेज्यूम में भी तो ये ज़्यादा फैक्ट बेस्ड है कम्पेयर टू कोई और आप कहानी लिखें या ब्लॉग या मार्केटिंग में भी एडवर्टिजमेंट्स वगैरह में भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी आ सकती है लेकिन इसमें भी Uh, थोड़ा सा जो है डिज़ाइन uh, एलिमेंट्स होते हैं उसको भी आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और उसमें क्रिएटिविटी का फोकस आप डाल सकते हैं जैसे कि आप इंफोग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रिपोर्ट के अंदर तो उसमें क्रिएटिविटी थोड़ी सी आ सकती है तो इट्स नॉट टोटली ड्राई एनीमोल थोड़ा सा उसमें भी uh, रंग और इंटरेस्ट और ऑडियंस के हिसाब से उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके उनके फॉर्मेट्स भी बिजनेस राइटिंग के भी चेंज किए गए इसी तरह जैसे कि जब आप कोई ईमेल लिखें जिसमें आप अपने आप को मार्केट कर रहे हैं या पिच कर रहे हैं या प्रपोज़ल दे रहे हैं किसी असाइनमेंट के लिए तो उसमें ये आपका जो फ्यूचर एम्प्लॉयर है पॉसिबल एम्प्लॉयर है उसको ये इंटरेस्ट है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे उसमें शो कर रही है और आपके भी इंटरेस्ट में है कि आप अपनी पर्सनैलिटी की पॉजिटिव चीज़ें प्रजेंट करें तो उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी का आंसर आ जाता है या कवर लेटर्स आप लिखें या रेज्यूमे भी अगर इनफोग्राफिस के हिसाब से लिखें तो उसमें भी ये है कि आप अपना देर आर चॉइसिस और उसमें भी मल्टीपल तरीके हैं कि उसको कैसे किया जा सकता है जैसे कि किसी भी क्रिएटिव असाइनमेंट में होता है कि कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता कई तरीके होते हैं जिनसे कि उसको uh, अच्छी तरह किया जा सकता है लेकिन अल्टीमेटली उसके objectives थोड़े से डिफरेंट होते हैं जो बिजनेस राइटिंग है उसके objectives रिपोर्ट का मकसद है कि आप बताएं कि भाई क्या हुआ रेज्यूमे का मकसद है कि आपको नौकरी मिल जाए ई मेल लिख रहे हैं तो आप किसी इन्फॉर्मेशन या रिक्वेस्ट की जहन में रखते हुए लिख रहे हैं तो उसके बड़े कॉन्क्रीट uh, जो हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या अगर आप जैसे उसमें कुछ अगर आप uh, कोई और क्रिएटिव काम भी कर रहे हैं उसमें लेकिन उसका मकसद एंड पे यही होगा कि या तो आप ग्रांट जीत लें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए कोई आपकी नेटवर्किंग में इजाफा हो लेकिन अल्टीमेटली आप अपने आप को प्रोफेशनली स्ट्रेंथन करने के लिए बिजनेस uh, राइटिंग कर रहे होते हैं इट्स नॉट सो मच टू एंटरटेन इट्स डेफिनेटली नॉट टू एंटरटेन इन्फॉर्म करने के लिए हो सकती है या कोई अपना प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए हो सकती है लेकिन उसकी भी अपनी ब्यूटी और उसमें भी एक सिमेट्री होती है उसको बिल्कुल आ, जो है आ, इतना शकील और इतना इनडाइजेस्टेबल नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाले के लिए अपीलिंग ना हो उसको भी यही सोच के बनाना चाहिए कि उसको हम कैसे आ, जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और एक्सेसबल बना सकते हैं ताकि डिफरेंट तरह के लोग उसको एक्सेस कर सकें सो द एम्फोसिस ऑन इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन हेज़ मेड सम रूम फॉर लेटिंग वन लाइट शाइन थ्रू यानी इस तरह की राइटिंग में भी यानी कि जैसे रेजिंग में आप लिखें या प्रपोजल वग़ैरह उसमें भी कुछ अब ये गुंजाइश है क्योंकि फॉर्मल से थोड़ा थोड़ा हम इनफॉर्मल की तरफ ज़माने के साथ साथ या जनरेशन के गुजरने के साथ साथ जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी गुंजाइश है कि आप क्रिएटिव हो सकें बट दीज आर द बेसिक्स ऑफ हाउ बिजनेस राइटिंग इज़ डिफरेंट from other kinds of writing.